24 मार्च से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर इंटर कॉलेजों में एग्जाम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरे स्कूल में नजर रखी जाएगी। जहां दो वर्ष बाद परीक्षा हो रही है, कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परीक्षा नहीं कराई थी, अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। इसी के मद्देनजर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। 24 तारीख को यूपी बोर्ड परीक्षा है, उसके लेकर क्या तैयारी की गई? माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं 24 तारीख से शुरू हो रही हैं, उसमें सरकार के नियमानुसार विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा, ऑनलाइन जलपान की व्यवस्था, अन्य सेफ इत्यादि व्यवस्था की गई है। दो वर्ष के बाद परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चों में बड़ा उत्साह है, खुशी है, और परीक्षाएं इस प्रकार चलती रहनी चाहिए और अच्छी तरह परीक्षाएं होनी चाहिए, पारदर्शिता परीक्षाओं में होनी चाहिए, और हम इसके लिए सब तैयार हैं। सर, कितने छात्र छात्राएं हैं? हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 416 छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं। ये परीक्षाएं 24 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक चलेंगी।